तो ये जो टी हाफ का एक्सप्रेशन लिखना है सेकंड ऑर्डर में, इनिशियल कंसंट्रेशन माना ए नॉट है ऐसे, और ये के है, तो ये अपना टी हाफ का एक्सप्रेशन है एन ब्रॉड टू ऑर्डर में। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चाह रहे हैं, तो हम यूं भी ले सकते हैं इसको कि जैसे लॉग टी हाफ प्लस लॉग के है, इधर ले गए और लॉग ले लिया और इधर इसका लिया लॉग, तो लॉग वन तो जीरो हो जाएगा माइनस लॉग ए नॉट। अब जो अपने ऑर्डिनेट एप्सिस है वाई और एक्स है उस टर्म्स में ले आते हैं, तो इस टर्म्स में लाने में ये वाई हो गया ठीक, और ये माइनस लॉग ए नॉट, और साथ में जो है ये लॉग के है, कंपेयर किया वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो एम अपना क्या हो गया माइनस वन हो गया। ग्राफ किसके बीच का है, लॉग टी हाफ वर्सेस लॉग ए नॉट का, तो ये नेगेटिव स्लोप हो गई, डिक्रीजिंग स्लोप हो गई हाफ लाइफ टाइम का लॉग और इनिशियल कंसंट्रेशन का। तो इस सबसे सेकंड ऑर्डर के लिए ऐसा ग्राफ इसमें बनेगा, देयरफॉर द आंसर इज सी।